बरेली में धारा 144 लागू होने के बाद भी बहेड़ी में कोतवाली के सामने एनआरसी के विरोध निकाला मशाल जुलूस, जिसमें हजारों की संख्या लोग शामिल हुए। दरअसल एनआरसी के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धारा 144 को लागू कर दिया। पूरे देश में कई शहरों में धरना प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। वही बरेली के बहेड़ी में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कोतवाली के सामने से हजारों लोगों का मशाल जुलूस निकल गया, लेकिन स्थानीय पुलिस कोतवाली में सोती रही। जब मशाल जुलूस की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को हुई तो तब जाकर स्थानीय पुलिस दौड़ी, लेकिन जब तक जुलूस का समापन हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने बहेड़ी के मेन रोड के सारी दुकानों को बंद कर दिया और जो भी मिला उसे पकड़कर थाने में बंद कर दिया। फिलहाल इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वही बरेली से DIG राजेश पांडे व SSP शैलेश पांडे मामले पर नजर बनाए रखे हुए है। SDM बहेड़ी सुधीर कुमार व CO बहेड़ी रमानंदन रॉय कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। 44 के बावजूद यहाँ काफ़ी लोगों ने एक मार्च निकाला मशाल जुलूस। बहेड़ी कस्बे में सूचना मिली कि लगभग 400 से 500 लोग एक जुलूस निकाल रहे हैं, मौन जुलूस। तो पुलिस बल और प्रशासन के साथ मौके पर पहुँचा गया, PSC की टीम भी बुलाई गई और कोई यहाँ पर इससे उपद्रव की कोई घटना नहीं हुई। कुछ लोग संदिग्ध लोग हमारी पकड़ में आए हैं जो जुलूस में शामिल थे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि जुलूस की प्लानिंग कैसे हुई, इनके लीडर कौन थे। ये साफ साफ धारा 144 का उल्लंघन है और ये पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक है। आज सर क्या कार्रवाई होगी? इससे पहले सर क्यों जानकारी में नहीं हुआ पाया इतना बड़ा जुलूस निकला, पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, इसी की जाँच की जा रही है कि कहाँ से इसकी प्लानिंग शुरू हुई, किस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सूचना आगे प्रेषित की गई है, कौन इनके लीडर हैं। CCTV कैमरों की जाँच भी की जाएगी जहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो कुछ टाइम बाद हम मौके पर पहुंच जाएंगे कि किसकी शुरुआत कैसे हुई है। कितने लोग अरेस्टिंग होगी लगभग इस समय? क्या जी, कितने लोग आपके अरेस्ट किए हुए होंगे इस समय? 8 से 9 लोग। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए इसके बाद क्या पुलिस कदम उठाएगी? प्रशासन अभी जो यहाँ के सम्मानित व्यक्ति है उनसे अपील की जाएगी कि अपने समुदाय के लोग को समझाएँ और सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, और पुलिस अब मौके पर पूरा गश्त भी करेगी मौके पर कि ऐसी घटना उत्पन्न ही ना हो पाए। 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा होना मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 घंटा लगता है, तो अगली बार से ऐसी घटना उत्पन्न ही ना हो। सर 3 रोज़ पहले यहाँ जुमे की नमाज के बाद कोशिश की गई थी लोगों की तरफ से, उसके बावजूद भी इस तरह की चूक हो रहा, क्या मानते हैं? उस टाइम ये था कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये हर एक ग्रुप पर प्रेषित कर रहे थे, तो वो हमारी पकड़ में आ गया, पहले सूचना मिल गई हमें। इस बार किसी सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम या पता नहीं कैसे इन्होंने अपनी प्लानिंग की है, तो अभी उसकी जाँच चली जाएगी। जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो जल्दी हमारी पकड़ में आएंगे।